गुड मॉर्निंग सुनो बेटा, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो? बाबा वाह वाह, क्या बात है, शाबाश। किस बात की शाबाशी मिल रही है? अरे शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना, मेरी सोनू हमेशा कॉलेज के लिए समय पे तैयार होती है, तथा आजकल के बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, समय का ध्यान ही नहीं होता। गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग माधुरी आंटी। गुड मॉर्निंग मीडम अंकल। गुड मॉर्निंग मीडम अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मीडम अंकल। टाइम क्या हुआ? ये गोया, तुमने घड़ी नहीं पहनी क्या? नहीं नहीं, घड़ी पहनी है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आप उल्टे होके सीधा टाइम देख सकते हो कि नहीं। पौका 7:10 हुए। न्यूज पेपर पढ़ के दिखाइए ना। अरे ये गोया, यहाँ पे मैं क्या सर्कस कर रहा हूँ? आपने आपको क्या रिंग मास्टर समझते हो? मास्टर तो आप हो मेरे अंकल, हम रिंग मास्टर कैसे हो सकते हैं? हाँ ये गोगी। टॉपिक चेंज, टॉपिक चेंज। माधवी आंटी ये लीजिए आपका डब्बा। अरे कारे क्या है इसमें? वो क्या है, खाली डिब्बा नहीं देते ना, इसलिए मैंने उसमें चॉकलेट डाली है, मेरी फेवरेट चॉकलेट है। सो स्वीट। सब शेयर करके खाएंगे। ओके। अरे वाह। हाँ हाँ, कहाँ नहीं। एक चॉकलेट शेयर करके खाते हैं। वाह वाह। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू गोड़िया, तुम ही खाओ। हाँ अरे भिड़े अंकल, अभी आप मेरे शिक्षक हो, आपकी बात मैं कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है। आप बोलो। तो आप आज्ञा करिए। माधवी आंटी, आपने आज कोथिंबीर वड़ी बनाई है? हाँ, खाओगे? ए माधवी, पहले मेरे लिए बाजू में रख देना, तो कल तुमने डब्बे में बटाटे वड़े दिए थे ना, उसके बावजूद भी जो मेरे लिए यहाँ पे बटाटे वड़े रखे थे ना, वो भी खा गया ये। अच्छा, वो आपके थे? देखो तो भोला पन। सॉरी बेटे अंकल, नेक्स्ट टाइम में मिस्टेक नहीं। हाँ अच्छा, पढ़ाई कैसे चल रही है तुम लोगों की? बस चल रही है। नहीं नहीं, बस तो चलती है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन पढ़ाई कैसे चल रही है? वाओ। चलो बाबा, अभी हमें लेट हो रहा है, हम लोग निकलते हैं। बाय बाय बाय। ए ए, एक मिनट एक मिनट। गोया गोगी, मैंने कुछ पूछा तुम लोगों से, पढ़ाई कैसे चल रही है? बाबा आज हमारे एनुअल डे की डांस रिहर्सल है, अगर लेट पहुंचेंगे ना तो टीचर बहुत डांटेंगे। ओहो, जा लवकर जा बाळांनो। ए रुको रुको रुको। अरे काय लवकर जा माधवी, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, इनको डांस प्रैक्टिस की पड़ी है। उनको लेट हो रहा है, जाने दीजिए ना। ऐसा काय है? हां तो हो दे लेट। आजकल कॉलेज में साइड एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि पढ़ाई को ही साइड ट्रैक कर दिया है। ऐसी सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से तो कॉलेज जाने का मन करता है। और आजकल क्या है, ये सब स्कूल और कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और रैंकिंग बढ़ती है। हाँ। और ये एक्टिविटी पढ़ाई जितनी जरूरी है। हाँ। हाँ, बरोबर है। काय बरोबर है माधवी, कॉलेज मतलब करियर की बुनियाद होती है, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। मेरे अंकल, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट तो इंटरनेट है। हाँ, पूरी दुनिया की जानकारी है उसमें। हाँ। और चुटकी बजाते ही हर सवाल का जवाब इंटरनेट पे मिल जाता है। अगर हमको हर सवाल का जवाब ऐसे चुटकी मार के और एक टच में मिल जाता है तो हम लोग याद क्यों रखे? एक्चुअली इंटरनेट पे कौन कितना फास्ट सर्च करता है ना, उसकी एग्जाम होनी चाहिए। हाँ सही बोल रहा है गोगी, बस खाली इंटरनेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ओहो, आजकल तो तुम लोग को आदत हो गई है ना कोई भी सवाल का जवाब इंटरनेट पे ढूंढने की। अच्छा मान लो गोया कि तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है। बीड़ा अंकल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग ऐसा सोचे ही क्यों? अरे मान लो ना कि इंटरनेट नहीं है, मतलब बिजली चली गई या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, नेटवर्क नहीं है, तो फिर तुम सवाल के जवाब कैसे ढूंढोगे? अरे पुराने जमाने में जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो क्या विद्यार्थी पढ़ते नहीं थे, सवाल के जवाब नहीं ढूंढते थे? तब भी विद्यार्थी इंजीनियर बने ना, वैज्ञानिक बने ना, डॉक्टर बने ना। कैसे बने? पढ़ाई करके, याद रख के। तब तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तो फिर बीड़ा अंकल, अभी हम लोग इंटरनेट यूज करना बंद कर दे। हाँ? आहो, क्या अभी बच्चों की बात सही है, अभी इंटरनेट की वजह से हमारा अचार पापड़ का बिजनेस कितनी सरलता से चल रहा है, एक सादे मैसेज से ऑर्डर आ जाता है और कितनी बार तो घर बैठे बैठे पेमेंट आ जाता है डायरेक्ट अकाउंट में। लाइफ कितनी इजी हो जाती है।
हाँ। बराबर है बेटा, लाइफ इजी हो जाती है, मतलब इंटरनेट का हमें फायदा उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए, लेकिन उसपे निर्भर नहीं होना चाहिए। हम तो इंटरनेट के गुलाम होते जा रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। कोई भी सवाल का जवाब आया नहीं कि इंटरनेट पे ढूंढना चालू। बच्चों हमेशा याद रखो, जो चीज पढ़कर याद रहेगी ना वो कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर याद रहेगी। अभी परसों का एक किस्सा है माधवी, मैं डॉक्टर हाथी से मिला था तो उन्होंने बोला कि उनके पास एक पेशेंट आया बीमारी का इलाज करने के लिए, तो उन्होंने दवाई दे दी। तो पेशेंट क्या बोलता है, नहीं हाथी भाई मैंने तो इंटरनेट पे पढ़ा था इस बीमारी के लिए ये दवाई नहीं चाहिए वो दवाई चाहिए। मतलब बोलो पेशेंट डॉक्टर को सिखा रहा है। हाथी अंकल को ना बोर्ड लगाना चाहिए, इंटरनेट से ली गई बीमारी की जानकारी क्लिनिक में डिस्कस करना मना है। लेकिन भिड़े अंकल आप ये तो मानोगे कि इंटरनेट नॉलेज का सागर है। हाँ मानता हूँ ना, इंटरनेट पे नॉलेज का सागर है। तो इंटरनेट के सागर के स्विमर जरा मुझे बताना कि तुम्हारे पापा का मोबाइल नंबर क्या है। भिड़े अंकल आपके इतने अच्छे दोस्त है मेरे पापा, आपको उनका नंबर याद नहीं है? उनको जब ये पता चलेगा ना उनको बहुत बुरा लगेगा। ये गोड़िया मैं तो जानता हूँ, मुझे तो जुबानी याद है तुम्हारे पापा का नंबर, तुम्हें याद नहीं है, और ये बात जब उनको पता चलेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। नंबर याद रखने की क्या जरूरत है। वाह, जब भी मुझे पापा को फोन करना होता है तब मुझे सिर्फ इतना बोलना है कॉल माय हीरो, देखो कॉल लग जाता है। मतलब कुल मिला के नंबर याद नहीं है ना। नहीं। और मीडियम सोड़ी तुम्हारा क्या हाल है। जिगरी यार। मैं एक्सेप्ट करता हूँ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सोनू को भी याद नहीं होगा। 9878060 4। सुना सुना, मेरी बेटी को मेरा नंबर याद है। बच्चों देखो नंबर याद होना बहुत जरूरी है, भगवान ना करे लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो मोबाइल नंबर तो याद होना चाहिए ना बेटा। इंटरनेट यूज करना अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी होनी जरूरी है। और इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं बनाया ना, भगवान ने हमें सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर दिया है यहाँ पे, दिमाग उसका इस्तेमाल करो। अच्छा आपको सब याद है ना। बिल्कुल। तो आपका डेबिट कार्ड का पिन नंबर बताइए। 9822। बगीचा ज्यादा गैनी होना भी नुकसान करवा देता है, सांगून टाकला। अरे चल भिड़े अंकल डोंट वरी, इंटरनेट के माध्यम से आप आपका पिन नंबर चेंज कर सकते हैं। और हाँ अपना पिन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। बर सोनू गोगी गोली जल्दी चलो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आई टप्पू। चलो गाइस टप्पू वेट कर रहा है। हेलो अरे देखा टप्पू ने बुलाया भाग के चले गए। तो अभी जाएंगे ना, उनको कॉलेज जाना है, यहाँ थोड़ी बैठेंगे वो। आजकल के बच्चे ना इंटरनेट में स्मार्ट है लेकिन दिमाग में स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं है। बाप छान विचार है, सुविचार में लिख दीजिए। वैसे भी आपका सुविचार लिखना बाकी है ना आज। पता है मुझे। अचर बापट की डिलीवरी है 10 बजे। पता है मुझे। बैंक जाना है आपको। पता है मुझे। स्मार्ट हो आप। पता है मुझे। आप ओवर स्मार्ट हो। पता है मुझे। नहीं माधवी तुम भले ही मुझे ओवर स्मार्ट समझो लेकिन बाकी सारे लोग मुझे होशियार और समझदार समझते हैं। कर ला? वो बाकी का है, मैं भी आपको होशियार समझदार और स्मार्ट समझती हूँ, मतलब आप है ही। एक मिनट यहाँ रुकिए आप, मैं अब भी आती हूँ। आज साल लेकर ही चढ़ो क्या? हाँ ये मेरी 3 साड़ियाँ है, इसको इस्त्री करनी है। भी लेकिन अभी तक इस्त्री रिपेयर होके आई नहीं है। आप इस्त्री रिपेयर करके लाए नहीं अभी तक? ओ तो ये अभी इस्त्री वाले को देना पड़ेगा, और बाहर 30 रुपए एक साड़ी का, मतलब 90 रुपए हो गए, और दूसरे कपड़े है वो अलग। अरे बाप रे, इससे तो नई इस्त्री से ज्यादा इस्त्री वाले का बिल हो जाएगा। इसलिए मैं कब से कह रही हूँ नई इस्त्री ले लो, आपके जमाने की इस्त्री रिपेयर करने में जितना पैसा खर्च हुआ है ना उसमें नई इस्त्री आ जाती है अब तक। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इतना मैसेज आया लगता है। बाघा का मैसेज सुबह सुबह। ये याला का अर्थ है? काय हो
इतने गुस्से में क्यों हो आप? तुम बेवकूफ हो। एक सवाल क्या पूछा, आप मुझे बेवकूफ बोल रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बागा ने मैसेज किया है कि तुम बेवकूफ हो। अगवे बागा भाई मुझे क्यों बेवकूफ बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे बागा तुम्हें बेवकूफ नहीं बोल रहा है माधवी, बागा ने मुझे मैसेज किया है कि तुम बेवकूफ हो, यानी कि मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा वो अच्छा, मतलब पक्का बागा भाई ने मैसेज किया है? बिल्कुल, देखो उसी का नाम है, देखो ठीक से लिखा है ना, तुम बेवकूफ हो। बागा भाई क्यों आपको बेवकूफ बोल रहे हैं? नक्की का इतनी गड़बड़े आहो तेज तक। अब समझ में आया, ये बागा के जरिए जेठा ने मुझे मैसेज भेजा है कि तुम बेवकूफ हो। काय का इतनी बोलता है जेठा भाई, बागा भाई के जरिए क्यों आपको बेवकूफ कहेंगे? ये मतलब डायरेक्ट भी नहीं कहेंगे कभी भी। अरे बोलेगा ना, अरे उसी ने बोला है, ये उसी ने बोला है मुझे बेवकूफ। क्या हुआ, कल मैं उसकी दुकान पे इस्त्री रिपेयर करवाने गया था। अरे भाई अब ये इस्त्री रिपेयर नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हो बागा, मेरे हिसाब से ये इस्त्री और 2 साल चलनी चाहिए। अरे भाई भिड़े, ये बागा रिपेयरिंग के दुनिया का बादशाह है, बादशाह। उसने एक बार बोल दिया कि रिपेयरिंग नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, अगर रिपेयर हो सकती थी तो बागा बोल देता कि भाई मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ, बराबर ना बागा? हाँ सेठ जी, और पिछले 5 साल में इस इस्त्री को मैंने 7 बार रिपेयर किया है, अब इसके रिपेयरिंग की कोई गुंजाइश नहीं। भाई भिड़े अभी ये इस्त्री पे दया खा और इसको छोड़ दे भाई, है? और नई इस्त्री ले ले। हाँ हाँ भिड़े भाई, नई इस्त्री ले लीजिए। नई इस्त्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसका क्या करूंगा ना। अरे क्या बेवकूफ जैसा सवाल पूछ रहा है तू भिड़े, इसका क्या करूं मतलब क्या, और इसको भंगार में दे दे भाई और नई इस्त्री ले ले, अभी तो एक से एक बढ़िया मॉडल आए। बाका वो स्टीम वाली है ना, वो दे दे। जी नहीं नहीं, एक मिनट मिनट, मतलब कुल मिला के नई इस्त्री चिपकानी है? नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, क्या अभी मार्केट में मंदी है, धंधा हो नहीं रहा है, मुश्किल से कोई ग्राहक आया है तो कमा लो। अरे तू फिर से बेवकूफ जैसी बात कर रहा है भिड़े। अरे भाई गोकुलधाम सोसाइटी से कोई भी मेरी दुकान से कुछ भी खरीदता है तो मैं उसमें 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ, भाव टू भाव देता हूँ। ये तो हर व्यापारी बोलता है, मतलब हर एक व्यापारी की फिक्स लाइन है, भाव टू भाव देता हूँ। नहीं नहीं भिड़े भाई, सेठ जी बराबर बोल रहे हैं, वो गोकुलधाम वालों को कॉस्ट टू कॉस्ट माल बेचते हैं, क्योंकि माल का ऑर्डर मैं देता हूँ ना, तो मुझे पता है किस चीज का क्या कॉस्ट है। तो नहीं, मैं मानता हूँ कि जेठालाल कॉस्ट टू कॉस्ट देता होगा, लेकिन फिर भी मैं सेकंड ओपिनियन तो लूंगा। क्या मेरे पहचान का एक जन है जो इस्त्री रिपेयर करता है, तो उसकी राय लेने के बाद ही मैं तय करूंगा। अरे भाई मेरी बात मान, इसको रिपेयरिंग करना बेवकूफी है भाई, इसको छोड़, नई इस्त्री ले लेना भाई। ओ बाका 1000 रुपए वाली दे दे चल। जी नहीं 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 जेठालाल, नई इस्त्री लेने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। अरे इसमें सोचने का क्या, तो क्या लाखों की गाड़ी थोड़ी खरीद रहा है, 1000 रुपए की इस्त्री खरीद रहा है भाई। जेठालाल चीज चाहे 1000 की हो या 100 रुपए की हो, मैं सोच कर ही खरीदता हूँ। एनीवे थैंक यू, दोनों मिलके मुझे नई इस्त्री चिपका रहे थे और जेठालाल ने मुझे 2 बार बेवकूफ बोला, 2 बार, और अभी बागा के जरिए मैसेज भेजा कि तुम बेवकूफ हो। मुझे नहीं ऐसा लगता। क्या नहीं लगता, ऐसा ही हुआ है। कल तो मैं दोस्ती के नाते बर्दाश्त कर गया, लेकिन अभी बागा के जरिए मुझे मैसेज भेज रहा कि तुम बेवकूफ हो। नहीं मैं ये सहन नहीं करूंगा, अभी उसकी खबर देता हूँ। जेठालाल मैंने बागा भाई को फोन करके पूछी ना कि उन्होंने ऐसा मैसेज क्यों किया है आपको। ठीक है। हाँ वो डायरेक्ट। देखा काय काय झालं, अब मैसेज चलते फोन ने उठा रहा है ये। वैसे भी मैं बागा से बात क्यों करूं, बागा तो जेठालाल का आदमी है ना, मैं जेठालाल से ही बात करूंगा, सोड़ना में गला। जेठालाल सकाई तूफान आलो कठिन है। ओ जेठालाल, जेठालाल नहीं ये अभी तक उठा नहीं होगा, सो रहा होगा। आज अच्छा है। क्या अच्छा है? मैं कहा है सुबह सुबह क्यों उनके साथ आपको तू तू मैं करनी है, चलिए अंदर चलिए। कहा चलिए, हमने बोला था ना कि मैं स्मार्ट हूँ, अभी देखना मेरा स्मार्टनेस, अभी 2 मिनट में जेठालाल बाहर आ जाएगा देखना। क्या करता है? हाँ भिड़े बोल। हाँ जेठालाल
कंपाउंड में जल्दी आके देखो कौन आया है। कौन आया है? अरे देखो तो सही, जल्दी बाहर आओ। कौन होगा? दया होगी? अब देखना कैसे बाहर आएगा। कौन है? मैं आया हूँ, मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ए भिड़े, ए काय झालं याना सकाळी सकाळी मधु बाबी? अच्छा भला मैं सो रहा था, नींद से जगा के इधर बालकनी में घसीटा। क्यों भाई, क्यों बिगाड़ी तूने मेरी नींद? क्योंकि तुम्हारे बागा ने मेरी सुबह बिगाड़ी है। बागा तुम्हारे घर पे आया है? नहीं नहीं, बागा ने। अब शांत रहिए, मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ मधु बाबी, आप बात कीजिए। काजल जेठा भाई, बागा भाई है ना, उन्होंने इनके मोबाइल पे मैसेज भेजा है और मैसेज में लिखा है। अरे बोल ना, कहीं घाबरते का बोल। नहीं शांत, मैसेज में लिखा है तुम बेवकूफ हो। हाँ। ऐसा मैसेज किया? हाँ। क्यों ऐसा मैसेज क्यों किया? तुमने फिर से उसको स्त्री को लेकर कुछ बात की थी? नहीं, स्त्री को लेकर उसने दोबारा कोई बात नहीं की मैंने, फिर भी उसने मुझे ऐसा मैसेज किया। क्यों? मैंने उसको फोन भी किया, तो फोन नहीं उठा रहा है मेरा? पक्का तुमने बोला को उसे कि ऐसा मैसेज करो? अरे मैं क्यों उसको बोलूंगा भिड़े भाई, अगर मुझे तुझे बेवकूफ बोलना हो तो मैं तो डायरेक्ट मुंह पे बोलूंगा ना भाई। वाया वाया, बागा के जरिए क्यों बुलवाऊंगा? जेठालाल, एक तो बागा ने मुझे ऐसा मैसेज भेजा, मेरी मान मर्यादा का अपमान किया, तुम उसे समझाने के बजाय मुझे समझा रहे हो? इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो तुम? अरे असंवेदनशील काम तो तुमने किया है, मेरी नींद बिगाड़ के ऊपर से झूठ बोल के मुझे बालकनी में भी बुलाया। तुम मुझे असंवेदनशील बोल रहे हो? हाँ। और ऊपर से बोलो मैं झूठा हूँ? अरे ऊपर से क्या, नीचे कंपाउंड से भी बोल सकता हूँ तू झूठा है। हिम्मत तो है नीचे चल। अरे हिम्मत का है, मर्द मराठे है, नहीं घाबर तो का है। आता हूँ पर कच्चे माड़ो आया। अरे कहाँ से आया, अभी तक तो वही खड़े हो। अरे तू आ तो नीचे नीचे। हाँ तो ठीक है, खाली है बक्तो तुला ये। अरे तू का बगल में बक्तो तुला। अरे इतने से क्या बोल दो, ठीक है इतने से। अरे ये चाहे तो कि नहीं। अरे काय हाय, काय यायचंय की नाही खाली? हाय यायचंय ना। हा तो ये 1 2 3 ये। तो कोई नहीं। फिर जेठालाल भिड़े की आवाजें कहाँ से आ रही थी भाई? यहाँ तो कोई नहीं है। आवाजें तो इतनी सुनाई दे रही थी, मॉल है। निशा लो आगे नीचे बोलो। अरे कहाँ है जेठालाल? मुझे बोला नीचे आओ, नीचे आओ, खुद नहीं आया? आगे आगे मैं इधर हूँ। बोलो। क्या बोला? तू बोल भाई। तुमने बोला था ना कि नीचे से भी बोल सकता हूँ, नीचे आया मैं। तू बोला। मैं क्यों बोला? नीचे से तू बोला कि आया आया, तो ऊपर किधर आया? क्या हुआ? शांति रखो ना। हुआ क्या भाई? अरे ये भीड़ है। क्या हुआ? ये जेठालाल। अरे भाई एक दूसरे का नाम क्या ले रहे हो, बताओ ना भाई। जेठालाल क्या हुआ है? अरे मेहता साहब ये भीड़ है, सुबह सुबह खामखा दिमाग खराब कर रहे। क्या हुआ भिड़े मास्टर? जेठा भाई इस बार भी मेंटेनेंस का चेक देना भूल गए। और मान लो भूल भी गया तो क्या हुआ भिड़े? तुम कमाल करते हो, कोई भाग थोड़ी जाएगा, दे देगा चेक मेंटेनेंस का। साहब दे तो देगा, लेकिन ये गलत है ना, एवरी टाइम आत्मराम को चेक मांगना पड़ता है। जो चा करता किटली गरम। और ठीक है ना यार, और धंधे की टेंशन में कभी कभी इंसान भूल जाता है यार। अरे लेकिन सोड़ी, मेंटेनेंस के चेक की बात ही नहीं है। कौन सी बात है भाई? अरे भाई मेंटेनेंस के चेक की बात नहीं है तो बात क्या है? सुबह सुबह आप लोग किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हो? अरे मेरा तो कोई झगड़ा ही नहीं है पोपटलाल, मैं तो मस्त आराम से शांति से सो रहा था, ये भिड़े ने मुझे फोन किया और फोन करके बोला कि नीचे आओ झगड़ा करते। हाँ। मैं तो ऊपर से ही बात कर रहा था तुम्हारे साथ, तुमने बोला कि हिम्मत है तो नीचे आके बात करो, तो मैं नीचे आया हूँ ना। अरे ठीक है, जेठालाल ने बुलाया नीचे, तुम नीचे आगे। पर अब ये बताएगा कि बात क्या है आखिर? दोस्तों गोकुल धाम और हंगामे सिक्के के दो पहलू की तरह, जिस तरह से आप सड़क पे चलते हैं आपको पता ही नहीं चलता कब स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ठीक उसी तरह गोकुल धाम में ये पता नहीं चलता कि कब हंगामा आ जाए। यहाँ इस वक्त हंगामा एक हो रहा है, भिड़े और जेठालाल के बीच में
जबरदस्त तकरार है, झगड़ा है और भिड़े बरस रहे हैं मूसलाधार बारिश की तरह जेठालाल फिर बाकी लोगों को मजा आ रहा है। जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है आसपास वालों को पड़ोसियों को बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के झगड़ों से बचना चाहिए, इसमें इज्जत की और वक्त की दोनों की ही बदहाली होती है। खैर साहब, इस झगड़े का निष्कर्ष क्या होगा और सबसे बड़ी बात, झगड़े का जो मूल कारण है, बाघा ने भिड़े को बेवकूफ वाला मैसेज क्यों भेजा और इसका निष्कर्ष क्या होगा, ये तो मैं इस वक्त क्या बताऊं, लेकिन जो भी होगा होगा। ठहाकों के साथ बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।